बेरूत में हिजबुल्ला के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी। इजराइल ने हिजबुल्ला के 8 ठिकानों पर हमला किया। बुर्ज अल बरज ने ही को निशाना बनाया। बेरूत में देर रात हुए जमकर विस्फोट। इजराइल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। घातक हो रही है जंग। बेरूत में ताबड़तोड़ हमले के बाद नजर आया धुएं का गुबार। इजराइल की तरफ से किए जा रहे ताबड़तोड़ हमले। लेबनान की तरफ से इजराइल में दागे गए रॉकेट हमलों की वजह से कई जगहों पर आग। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। जंग के बीच ईरान के 4 सैनिकों की मौत। जंग के लिए घातक रूप हो रहा ताबड़तोड़ हमले। बरसाए जा रहे बम गोले। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायली हमलों में 4 लोगों की मौत का जताया शोक और साथ ही भविष्य के हमलों को लेकर भी दी चेतावनी। ईरान पर इजरायली हमले को लेकर नेतन्याहू का बयान। कहा, अपने राष्ट्रीय हित को लेकर किया हमला। नेतन्याहू ने अमेरिकी दबाव से इनकार किया। इजरायली ईरान जंग पर भारत ने चिंता जताई। कहा, पश्चिम एशिया में हिंसा चिंता का विषय। बातचीत से निकाला जाए समस्या का हल। जंग के हालात से स्थिरता पर असर। इजराइल के हमले पर बड़ा खुलासा। ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से हमला हुआ। ईरान के 20 ठिकानों पर इजराइल का हमला। ईरान के सैन्य ठिकानों पर 3 बार हमला हुआ। और इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में ईरान सेना के बड़े अधिकारियों के साथ खामेनेई ने की मीटिंग और कहा कि सही समय आने पर देंगे हमले का जवाब। अपनी रक्षा करने का हमें पूरा अधिकार। इजरायली हमले की एक दिन बाद तेहरान में स्थिति सामान्य। लोग घरों से निकल रहे हैं बाहर। शॉपिंग करते हुए दिखे लोग। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले से पहले का वीडियो किया जारी। वीडियो में हमले के लिए उड़ान भरने से पहले युद्धक विमानों की तैयारी दिखाई गई। लेबनान में इजरायल को मिला हिजबुल्ला का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड ठिकाना। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को इजरायली सेना ने तबाह किया। और तेल अवीव में रिहायशी इलाकों में इमारत में लगी भयंकर आग। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी। हमास ने इजरायल सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी किया। हमास ने जबालिया में जमीनी लड़ाई के दौरान इजरायली सैनिकों पर हमला बोला। इजरायली हवाई हमले के बाद बेरूत के आसमान में आग और धुएं का काला गुबार नजर आया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 41 लोग मारे गए। 133 लोगों के घायल होने की सूचना। गाजा में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला जारी। गाजा पट्टी की बेतलाहिया में इजराइल ने की बमबारी। स्कूल के पास हमले की खबरें। इजराइल में बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई की मांग की। तेल अवीव में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। बंधकों की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी जताई। यूक्रेन के निप्रो में रूस की तरफ से किया गया हमला। हमले में एक बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। फिलीपींस की बटांगस में तूफान ने मचाया कहर। बाढ़ की वजह से टूटा पुल। वहीं भूस्खलन की वजह से 126 लोगों की मौत हुई। फिलीपींस में तूफान का कहर। सड़कें भरी दरिया। पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां। हर तरफ तबाही ही तबाही। दिल्ली की हवा में दिन पर दिन लगातार एक खराब दिख रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और दिल्ली में अक्षरधाम से सामने आई तस्वीर। सुबह सुबह नजर आई धुंध। राहगीरों को यात्रा करने में हुई परेशानी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर असर पड़ा। पानी में नजर आया झाग। नदी को साफ करने का काम जारी। मुंबई में खराब होती जा रही हवा। कई जगहों पर बढ़ाई की हुआ प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में जुटा प्रशासन। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी खराब हुई हवा। तेजी से बढ़ रहा प्रदूषण। लोगों को हो रही परेशानी। लगातार बढ़ता जा रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। और गुजरात ETS ने आतंकी साजिश को किया नाकाम। पोरबंदर से एक संदिग्ध जासूस को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान सेना के साथ खुफिया जानकारी साझा करने का आरोप। पाकिस्तानी महिला के संपर्क में था आरोपी जासूस पंकज कोटिया। पाकिस्तानी एजेंट को शेयर कर रहा था कोस्ट गार्ड की जानकारी। आरोपी के 11 अलग अलग बैंक खातों से कुल 26,000 रुपए मिले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। इंडर के बलनोई सेक्टर में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। मौके से पाकिस्तान मार्ग वाला ग्रेनेड और लैंड माइंस भी बरामद की गई। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। BSF की पासिंग आउट परेड में बोले मनोज सिन्हा, आतंकियों के बहाए खून के हर एक बूंद का बदला लेंगे। आप ये मोदी आज 115वीं बार करेंगे मन की बात कार्यक्रम। देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। झारखंड में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ी।
कांग्रेस एमएलए इरफान अंसारी पर केस दर्ज हुआ। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन पर विवादित बयान दिया था। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। 22 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। नकोला पश्चिम से विजय अग्रवाल और वाशिम सीट से श्याम खड़े को बनाया प्रत्याशी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक 121 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। गठबंधन में बीजेपी 155 से 156 सीट पर लड़ सकती है चुनाव। चित्रकूट के विकास को लेकर बोले प्रदेश के सीएम मोहन यादव, का अयोध्या के समान ही चित्रकूट पवित्र धाम है और करोड़ों लोगों की श्रद्धा भी है। चित्रकूट के विकास के लिए कई तरह की योजना बना रहे। विकास के कई मामलों में हम चित्रकूट को बहुत अच्छे से प्लान कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि धार्मिक दृष्टि से पर्यटन का केंद्र बने। महाअघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर नहीं थम रहा बवाल। सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर राहुल को ऐतराज। सपा ने भी एमवीए को दिया अल्टीमेटम। नामांकन के लिए बचे हैं केवल 3 दिन। और मुंबई में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने चुनाव लड़ने से किया मना। कहा बांद्रा पूर्व में काम किया था, अंधेरी पश्चिम से टिकट दिया। लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र में चुनाव लड़ाने की तैयारी। साबरमती जेल भेजा गया फॉर्म ए और फॉर्म बी। उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का टिकट दिया। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल दौरे पर जाएंगे। पत्रपुर में यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी सदस्यता अभियान का भी करेंगे शुभ आरंभ। बिहार में जहरीली शराब से मौतों पर सियासत गर्म। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर आरोप लगाया और बोले तेजस्वी यादव की शराब कंपनियों से हुई डील। तेजस्वी ने शराब कंपनियों से 46 करोड़ रुपए लिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया शराब बेचने का आरोप। कहा सरकार शराब बेचने में लिप्त, लोगों की मौतें लगातार हो रही है, सरकार आंकड़े छुपा रही है। लोगों की मृत्यु जो है लगातार हो रही है, सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है, अपने कमियों को छुपा रही है। ये सरकार फेल हो चुकी है। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य ने गोवा में आयरन मैन 70.3 के चौथे संस्करण को दिखाई हरी झंडी। कार्यक्रम के दौरान कई बड़े दिग्गज मौजूद रहे। ज्ञानवादी मामले पर जगदगुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया। कहा हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। हम हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय देगा। रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी। 28 से 30 अक्टूबर तक देश विदेश के 1200 से अधिक कलाकार हिस्सा लेंगे। लोक गायन और लोक नृत्य की प्रस्तुति देंगे 800 से ज्यादा कलाकार। रायबरेली में बीजेपी महिला नेता ने एसडीएम पर लगाए गंभीर आरोप। फाइल्स में हस्तक्षेप, अवैध वसूली का लगाया आरोप। न्याय कोर्ट के बाहर एसडीएम के खिलाफ धरने पर बैठी। यूपीएसएफ की लखनऊ में बड़ी कार्रवाई। दीपावली पर केमिकल से बना 6.5 क्विंटल खोया बरामद हुआ। जानलेवा नकली खोया बनाने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में खाद्य विभाग ने मिठाई की दुकान पर मारा छापा। मिठाइयों का लिया गया सैंपल, दुकानदारों में मचा हड़कंप। सीजीएसटी दिल्ली ने 1285 करोड़ के फ्रॉड का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। दुबई और चीन से आईफोन की तस्करी करवा रहा था आरोपी। पुलिस ने मुख्य आरोपी कपिल अरोड़ा को गिरफ्तार किया। लखनऊ में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत। एक दिन पहले ही घर से 2 भाइयों को उठा ले गई थी पुलिस। परिजनों ने थाने में टॉर्चर का आरोप लगाया। आपको बता दें युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने कहा जब तक मुकदमा नहीं तब तक सड़क जाम रखेंगे। पंजाब के संगरूर में किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों के विरोध की वजह से सड़क पर लगा लंबा जाम। राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। चक्रवात दाना पर ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी का बयान। कहा चक्रवात की वजह से 11 जिले प्रभावित हुए। बारिश के कारण बनी बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों की मदद से जुटी सरकार। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में चक्रवात दाना का असर। सड़कों पर भरा पानी, बिजली के झटके लगने से 22 साल के युवक की जान चली गई। ओडिशा में तूफान दाना ने बरपाया कहर। चक्रवात को लेकर ओडिशा के मुख्य सचिव मनोज आहूजा का बयान। कहा दाना के बाद राहत और बचाव कार्य जारी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिल्डिंग में आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से 2 लोगों की मौत। एसी फटने से आग लगने की जताई जा रही आशंका।
कुशीनगर में टायर में हवा भरने के दौरान हादसा। ट्रेलर के टायर में ज्यादा हवा भरने से जोरदार विस्फोट हुआ। पहिए समेत दूर जा गिरे कारीगर की मौके पर मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुआ टायर ब्लास्ट की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार बाइक में जोरदार भिड़ंत, बाइक के उड़े पर खच्चे। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर मौत, कार सवार पांच लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत हुई। तेज रफ्तार ट्रक ने बीजेपी नेता की बाइक में टक्कर मारी थी। यूपी के बदायूं में टाटा मैजिक गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के कानपुर में देर रात बेसमेंट में बने होजरी के गोदाम में भीषण आग लगी। लोगों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली के शाहदरा में महिला कॉलोनी के एटीएम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। पंजाब पुलिस ने सीमा पार से तस्करी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया। ड्रग तस्कर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 105 किलो हीरोइन बरामद। यूपी के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। अनूप शहर में सप्लाई को जा रहा था 200 किलो सिंथेटिक दूध पकड़ा। कई तरह के सामान भी जब्त किए गए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। स्टेट बैंक के संचालक को कार्यालय में घुसकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और उत्तर प्रदेश में उप जिलाधिकारी खाद्य विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 125 किलो खराब सोन पपड़ी को नष्ट किया। दुकान मालिकों से पूछताछ लगातार जारी। कोटद्वार में एक महिला का वीडियो वायरल हुआ। कृषि अधिकारी के दफ्तर में एक शख्स पर कुर्सी से किया हमला। मौके पर दर्शक बने रहे सरकारी अधिकारी। शाहजहांपुर में दिवाली से पहले लाखों रुपए की अवैध पटाखे जब्त। संविदा विद्युत कर्मी ने बगैर लाइसेंस के घर में रखी हुई थी लाखों की आतिशबाजी। विमानों को धमकी मामले में एक्शन तेज। दिल्ली से शुभम नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ। उत्तम नगर का रहने वाला है आरोपी। आईजीआई एयरपोर्ट पर बम की फर्जी धमकी दी थी। दिल्ली के सामने आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। ग्वालियर की एमटी यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप। फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ सीनियर ने चलती कार में दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी। नोएडा पुलिस ने शातिर लुटेरों के घरों का भंडाफोड़ किया। मां और बेटा मिलकर चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने मां और बेटे समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे से घायल एक शख्स की मौत। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सैंपल्स जुटाए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस मुठभेड़ में गौ तस्कर गिरफ्तार। गौकशी करने जा रहे 2 बदमाशों को धर दबोचा। मौके पर अवैध असलहा और गौकशी के उपकरण बरामद हुए। बदायूं पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। 16 अक्टूबर को मुरादाबाद में युवक की हत्या हुई थी। 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के महोबा में लव जिहाद का मामला आया सामने। मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से शादी रचाई। मंदिर में किया पूजा पाठ। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठन के लोगों में आक्रोश। यूपी के मथुरा में मानव तस्करी पर लाई गई 3 लड़कियों को पुलिस ने मुक्त कराया। पुलिस ने मानव तस्करी के आरोप में 1 युवक को भी गिरफ्तार किया। कानपुर में कारोबारी पत्नी की हत्या का खुलासा। महिला जिम ट्रेनर ने की थी हत्या। आरोपी महिला ने 4 महीने पहले हत्या कर शव को डीएम आवास के पास दफनाया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। मैक्सिको के जाकाटेगस में हादसा हुआ। ट्रक से ट्रॉली से टकराई यात्रियों से भरी हुई बस। 24 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पेशावर में हादसा। आपको बता दें हयाता बाद में अचानक से आग लग जाती है। फैक्ट्री में भीषण आग के बाद फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। रूस की राजधानी मॉस्को में गोलीबारी। सेंट्रल पार्क में गोलियों की आवाज के बाद पर्यटकों में अफरा तफरी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इंडोनेशियाई गश्ती दल की ने एक हफ्ते में 3री बार विवादित समुद्र में चीनी जहाज को खदेड़ा। वीडियो सामने आया। और केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से जॉर्जिया चुनाव को घोषित किया गया वेश और सत्तारूढ़। जॉर्जियाई ड्रीम पार्टी ने 70% मतपत्रों की गिनती के साथ 53% वोट अर्जित किए। मिस्र और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों ने काहिरा में मुलाकात की। क्षेत्रीय संघर्षों पर विस्तार से चर्चा हुई। मीटिंग के बाद मिस्र के विदेश मंत्री ने कहा गाजा में युद्ध विराम के बिना क्षेत्र में कोई शांति का या सुरक्षा नहीं होगी। अमेरिका ने पिछले 3 सालों में 48 भारतीय छात्रों को बिना किसी स्पष्ट कारण के किया डिपोर्ट। छात्रों को चार्टर्ड फ्लाइट से भारत वापस भेजा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से मांगा स्पष्टीकरण।
मिशेल ओबामा ने मिशिगन में एक रैली के दौरान कमला हैरिस के समर्थन में तीखा भाषण दिया और कहा हैरिस के लिए रैली की और महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल पर बात की।